एएलपी परीक्षा के परिणाम जल्द होंगे घोषित, तारीख हुई फाइनल। जनसत्ता की ताज़ा खबर, 17 दिसंबर 2018 की अपडेट। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन रिवाइज रिजल्ट 2018 डेट। देखिए इस पूरी खबर को। आरआरबी टेक्नीशियन रिवाइज रिजल्ट 2018, पहले चरण में कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी पास करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक सूचना के अनुसार 21 जनवरी 22 जनवरी 23 जनवरी 2019 को आयोजित होने वाले दूसरे स्टेज सीबीटी के लिए उपस्थित होंगे, जिसका रिजल्ट पहले जारी किया गया था, लेकिन उस रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां आई और बहुत सारों ने फीडबैक भेजा, जिस कारण ये दोबारा रिजल्ट आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। देखिए पूरी खबर। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन रिवाइज रिजल्ट डेट 2018। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने घोषणा की है कि आरआरबी एलपी के रिवाइज रिजल्ट जल्द ही जारी किए जाएंगे। इन रिजल्ट्स के 20 दिसंबर तक जारी होने की उम्मीद है, यानी आज है 17 दिसंबर और 18, 19, 20, इन तीन दिनों के अंदर रिवाइज रिजल्ट जारी हो जाएगा। आज 3:01 का समय हो चुका है, 3:01 का टाइम है और 17 दिसंबर है, यानी अगले तीन दिनों में 18, 19, 20, 20 तक जारी होने की पूरी संभावना, ये ऑफिशियल बताया गया है। आरआरबी ने प्रथम स्टेज सीबीटी के कंप्यूटर टेस्ट के लिए परिणाम 2 नवंबर को जारी किए थे, लेकिन इन परिणामों को वापस ले लिया गया क्योंकि कुछ उम्मीदवारों द्वारा प्रश्न अनुवाद में त्रुटियों को लेकर आपत्ति उठाई गई थी। यह टेस्ट इसी साल अगस्त और सितंबर में हुआ थे। और बता दें कि आरआरबी एएलपी रिजल्ट जल्द ही उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की यह देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए आरआरबी के अधिकारी अंगराज मोहन ने कहा, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन परीक्षा के संशोधित परिणाम 20 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। परिणाम मध्य रात्रि से सभी क्षेत्रीय आधारित आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव होंगे। यानी अगली खबर है कि इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अधिकारी ने बताया कि 20 दिसंबर को परिणाम जारी कर दिए जाएंगे, डेट भी आ गई। अंगराज मोहन द्वारा ये बताया गया है, जो कि आरआरबी के मुख्य अधिकारी है। तो जो इसका परिणाम है वो मध्य रात्रि जारी कर दिया जाएगा, अलग अलग आप वेबसाइटों पर आरआरबी की, जैसे पटना है, चंडीगढ़, अजमेर, अहमदाबाद, अलग अलग वेबसाइट हैं, उन सभी पर 20 दिसंबर को परिणाम जारी कर दिया जाएगा, ये बताया गया है अंगराज मोहन के द्वारा। तो यह डेट भी सामने आ चुकी है कि 20 दिसंबर को परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित सीबीटी पास करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक सूचना के अनुसार 21 जनवरी 22 जनवरी 23 जनवरी 2019 को आयोजित होने वाले दूसरे स्टेज सीबीटी के लिए उपस्थित होंगे। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दूसरे स्टेज सीबीटी परीक्षा अगले साल 21 से 23 जनवरी तक आयोजित की जाएगी, जो पहले 24 दिसंबर को आयोजित करनी थी वो 21, 22 और 23 जनवरी को कर दी गई है और परिणाम 20 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। पहले बताया गया था कि 20 दिसंबर से पहले तीन दिनों में जारी हो जाएंगे, लेकिन अब अंगराज मोहन ने बाद में पहले वेबसाइट पर बताया गया था कि 20 दिसंबर से पहले परिणाम जारी हो जाएंगे, जब ये डेट दी गई थी एग्ज़ाम की आगे बढ़ाई गई थी। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जो कि जिसे की बात करते हुए अंगराज मोहन ने बता दिया कि 20 दिसंबर को परिणाम जारी कर दिए जाएंगे, तो एग्ज़ाम की डेट जो परिणाम की डेट है वो भी आ चुकी है। और ये पूरी न्यूज़ मैंने आपको बताई। इसके साथ साथ ही जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आप दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको परिणाम चेक करने के लिए जब 20 दिसंबर को आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको लगाना है आरआरबी, और उसके बाद जिस जोन में आपने फॉर्म अप्लाई किया है, चंडीगढ़ है, अजमेर, जो भी आपका जोन है, उस जोन का नाम लिखना है। पहले टाइप करना आरआरबी और उसके बाद उस जोन का नाम लिख देना है। जैसे आपका जोन है अहमदाबाद, तो आप यहाँ पर अहमदाबाद लिखेंगे, तो अहमदाबाद लिखकर आप सर्च करेंगे गूगल में, सीधा आप आरआरबी अहमदाबाद लिखकर सर्च करेंगे, अहमदाबाद आपका जो जोन है वह दिया गया है। तो 20 दिसंबर को परिणाम जारी हो जाएंगे, ये तो अंगराज मोहन ने बता दिया। और जो
आप कैसे चेक कर सकते हैं वो आप देखिए। तो आरआरबी अहमदाबाद लिखेंगे तो आपको सबसे पहले यह rrbahmedabad.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी। आज इस पर क्लिक करेंगे तो ये रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि खुलकर आपके सामने आ चुकी है। तो आप इस वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर नोटिस आ जाएगा, नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये रिफंड फीस का जो 12 दिसंबर 2018 को आया था अंतिम नोटिस, और उसके बाद जो न्यू नोटिस आएगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अलग अलग वेबसाइट में आप सभी वेबसाइटों में जाकर इस तरह से चेक कर सकते हैं, और जो परिणाम है वो 20 दिसंबर को जारी हो जाएंगे RRBLP के रिवाइज रिजल्ट के। तो आप इंतज़ार कीजिए परिणाम का, हो आशा है कि आपका परिणाम पॉजिटिव ही आएगा। जिनका सिलेक्शन पहले नहीं हुआ था, लिस्ट में नाम नहीं आया था, उनका भी नाम इस लिस्ट में आ सकता है जो कि 20 दिसंबर 2018 को जारी की जाएगी। तो जैसे ही रिजल्ट जारी होगा तो मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा, इसलिए आप स्टडी टाइम से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी दे सकें। धन्यवाद।